हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीलो जी रिपेयर में। दोस्तों, आज है अपने पास ये उषा का इंडक्शन, आज इसी को हम ठीक करेंगे। इसका प्रॉब्लम भी मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम दिखाने से पहले मैं इसका आपको मॉडल नंबर दिखा दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है उषा कुक जोई का इंडक्शन है, इसका मॉडल है आप देख सकते हैं IC 3616, ये इसका मॉडल नंबर है। तो इसका प्रॉब्लम यह है कि मैं जैसे ही इसमें पावर देता हूँ अपना, एक बार के लिए लाइट आ रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं बंद किया स्विच, अभी पावर दे रहा हूँ, एक बार डिस्प्ले आ रहा है अपना, लेकिन ये अब मैं इसको ऑन करना चाह रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है, ये इसका प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंडक्शन खोल लेते हैं अपन। तो इसको हम अलग कर लेंगे। इसको ठीक करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाह रहा हूँ, जो कि बेहद ज़रूरी बात है। फ्रेंड्स, इस चीज़ से रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ और जिसे आप भाइयों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, उसका प्रॉब्लम कुछ इसी प्रकार का था। लेकिन इसमें देखेंगे अपन क्या होता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम आगे जाके अपने को IC में मिला था और IC को भी मैंने रिमूव करके और कैसे आपको ठीक करना दिखाया था, आपने ज़रूर मेरा वीडियो देखा होगा। उस वक्त IC खराब था, इसमें देखेंगे कि क्या खराब है। हर प्रॉब्लम में अलग अलग बीमारी हो सकती है। मैं उस वीडियो में भी आपको पूरा 0 से लेके लास्ट तक 100 तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चलाया था कि आप इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है। सेम वही प्रोसेस मैं दोबारा करूंगा, क्योंकि लोग वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, उसमें कुछ लोगों ने वहां मेरे कुछ स्टेप्स नहीं देखे होंगे, वो स्टेप्स ताकि वो इस वीडियो में देख सकें। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की प्रॉब्लम खासकर अपना पैनल PCB के चलते आती है, ये जो कीपैड वाला जो ये PCB रहता है इसके चलते आती है। लेकिन इसको श्योर करने के लिए एक शब्द में मैं बोलूं तो आपको अपना ये बोर्ड सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसी का डेटा आपको चेक करना है। तो चलिए सप्लाई में लगा दे रहा हूँ, इसको मैंने सप्लाई में लगा दिया है। मल्टीमीटर को आपको 20 की रेंज में रख लेना है, मैंने 20 की रेंज में रख लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहली पिन अपनी ग्राउंड है, दूसरी पिन 5 वोल्ट है, तीसरी पिन डेटा की है, तीसरी क्लॉक और चौथी स्टैंड बाई, ठीक है फ्रेंड्स, ये सॉरी पांचवी स्टैंड बाई, ये 5 पिन अपनी है। तो इन पे अपना मैं बताते जा रहा हूँ, वैसे वैसे वोल्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले एक प्रोब को अपन ग्राउंड पे सेट कर लेंगे, इसके बाद दूसरी पिन इस पर हम 5 वोल्ट चेक करेंगे। तो आप मल्टीमीटर की तरफ देख सकते हैं, 5 वोल्ट पूरा बन रहा है। इसके बाद अपनी पिन डेटा की है, तो डेटा सिग्नल देख सकते हैं 0.2627 अपना आ रहा है, आप देख सकते हैं डेटा फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब डेटा काम कर रहा है अपना। इसके बाद अपनी चौथी पिन जो है क्लॉक की है, यहाँ भी 1 वोल्ट के आसपास अपना आना चाहिए क्लॉक पे, ये देख सकते हैं आप 0.09392 अपना क्लॉक सिग्नल भी आ रहा है। इसके बाद स्टैंड वाई पे भी अपने 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट तक बनना चाहिए, ये स्टैंड वाई पे देख सकते हैं 2.23 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब हुआ ये अपना, ये अगर वोल्ट ऐसे के ऐसे आपके में आ रहे हैं तो मतलब अपना ये वाला बोर्ड अपना एकदम ओके है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यही वोल्ट हम इसमें भी चेक करेंगे, हो सकता है अपना ये जिप, ये जो जिप लगा है वायर केबल, ये ख़राब हो तो इसको भी हम चेक करेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूँ, क्लियर कर दूँ लास्ट वीडियो में जो कन्फ्यूज़न था, अभी जो हमने इसमें वोल्ट चेक किए हैं, ये जिप लगाने के बाद ये वोल्टेज कुछ हद तक थोड़े से अप हो सकते हैं, वो होंगे ही, क्योंकि इधर से डेटा क्या है आदान प्रदान होगा, इस IC में आएगा इससे उधर जाएगा, उसमें वोल्टेज थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो चलिए ये जिप लगाने के बाद का वोल्टेज भी मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ये जिप लगा दी है, अब इसके लगाने के बाद देखते हैं वोल्टेज में क्या डिफरेंस आता है, कुछ हद तक डिफरेंस रहेगा। तो ये ग्राउंड मैंने फिक्स कर दिया है, 5 वोल्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ये देख सकते हैं 5 वोल्ट बन रहा है। इसके बाद अपना डेटा है, डेटा में देखिए लास्ट टाइम 0, इसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आया है। इसके बाद क्लॉक में कुछ फर्क आपको देखने को मिल सकता है, ये देखिए पहले 9.2 था, अभी 9.7 तक जा रहा है। इसके बाद स्टैंड बाई, यहाँ भी आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिल सकता है, 2.2223 था, अभी देख सकते हैं आप 2.54 वोल्ट कुछ बड़ा है, मतलब इतना फर्क आपको आ सकता है। तो आप केबल हटा के चेक कर रहे हैं कि केबल लगा के चेक कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से आपको रीडिंग लेना है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया। अब इसके बाद यही वोल्टेज अपन इस साइड में चेक करेंगे कि अपना बन रहा है कि नहीं, इसके लिए मेरे को ये PCB खोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये वोल्ट यहाँ चेक करने के बजाय हम IC पे ही चेक करेंगे, यहाँ तक का ट्रैक भी अपने को क्लियर हो जाएगा, IC का भी क्लियर हो जाएगा कि IC तक अपना वोल्ट
पहुंच रहा है। तो इसके लिए हम ये अपना ग्राउंड का वायर है। अब ये आईसी जो इसमें लगा है ये 1668 आईसी है। 1668 आईसी में मैं डेटा शीट भी आपको साइड में दिखा दूंगा वीडियो में एडिट करके। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको 1668 में पहली पिन जो होती है वो अपनी डेटा की होती है। तो डेटा पे आप वोल्टेज देख सकते हैं, वो जो सिग्नल थे वो पूरा का पूरा आ रहा है डेटा पे 0.26। दूसरी पिन अपनी क्लॉक होती है, क्लॉक पे आपका ये देखिए 97.97 जो वोल्ट वहाँ बन रहा था वो वोल्ट यहाँ भी बन रहा है, मतलब यहाँ पहुँच रहा है। इसके बाद तीसरा पिन अपना स्टैंड बाई का रहता है, ये देखिए स्टैंड बाई का 2.5354 वोल्ट जो वहाँ बन रहा था यहाँ भी बन रहा है। इसके बाद पिन नंबर 5 और 6 K1 K2 होती है। इसके बाद पिन नंबर 7 जो है वो 5 वोल्ट सप्लाई का अपना रहता है, ये देखिए 5 वोल्ट यहाँ 7 नंबर पिन पे बन रहा है, मतलब आईसी तक अपना वोल्ट पहुँच रहा है। इसका मतलब अब बात आ जाती है अपनी आईसी तक वोल्ट पहुँच रहा है। इसके बाद बात आ जाती है अपनी स्विच की कि अपना स्विच ठीक है कि नहीं है। तो अगर स्विच ठीक है तो फिर आईसी में दिक्कत है, अगर आईसी ठीक है तो स्विच में दिक्कत है। तो अब क्या करेंगे हम इस स्विच को शॉर्ट करके एक बार चेक कर लेंगे। तो मैं इस शॉर्ट करता हूँ इस स्विच को, यहाँ से 2 पिन है इसकी, ये देख सकते हैं अपना इंडक्शन चालू हो गया है। आप देख सकते हैं अपना इंडक्शन चालू हो गया है, मतलब इस स्विच की इसमें फॉल्ट थी। अब हम क्या करेंगे ये स्विच हम चेंज कर देंगे, अगर और भी कोई इनमें से स्विच ख़राब है तो उनको भी हम चेंज कर लेंगे। तो मैं स्विच चेंज कर देता हूँ और वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्रेंड्स स्विच मैंने चेंज कर दिया है। लास्ट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें अपना ये आईसी खराब था, इस आईसी को रिमूव कैसे करना है, इस आईसी का पूरा टेस्टिंग क्या है वो लास्ट वीडियो में मैंने समझाए रखा है। तो आप उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो अभी मैं इंडक्शन को फिट कर देता हूँ। अगर आपके पास इनमें से कोई और स्विच भी काम नहीं कर रहा हो, किसी में प्रॉब्लम आती है, मिल्क मोड काम नहीं कर रहा है, तो मिल्क मोड का जो स्विच रहता है वो खराब। तो फ्रेंड्स इसके अलावा ये 3 स्विच और ख़राब थे, ये पावर ऑन का स्विच खराब था, ये 3 स्विच और ख़राब थे जो कि मैंने चेंज कर दिए हैं। अब मैं इसको फिट करके आपको टेस्ट करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं ऑन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये देखिए अपना इंडक्शन चालू हो गया है, बाकी स्विच भी मैंने चेंज कर दिया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स अपना इंडक्शन ठीक हो गया है, सब स्विच मैंने चेंज कर दिया है, सब स्विच बराबर काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।